हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था डेटा में डेटा एनालिसिस के हवाले से, और डेटा एनालिसिस में हमने चंद एक छोटे छोटे टूल्स जो हैं वो यूज़ किए थे अपने कोर्स के मुताबिक, जो अब तक हमने कोर्स कंटेंट पढ़े हैं बीएस स्टैटिस्टिक्स में। अभी कोरिलेशन शायद हमें भी डिस्कस करना है, लेकिन मैंने आपको कोरल की कमांड से बता दिया था गालबन। तो इसी तरह से कोवेरियंस हमें करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करने हैं, हिस्टोग्राम मैं आपको भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, इस तरह से रैंडम नंबर जनरेशन रिग्रेशन या परसेंटाइल की बात हमने करनी है। इस वक्त हम डिस्कस कर लेते हैं रैंडम नंबर को जनरेट करना, कि स्टैटिस्टिकली जो रैंडम नंबर्स हैं उन्हें आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। रैंडम नंबर जनरेशन को क्लिक करें और सेलेक्ट कर, और उसके बाद आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने बताना है कि कितने वेरिएबल्स आपने जनरेट करने हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि मुझे 10 वेरिएबल जनरेट करने हैं। मैं इस वक्त इसे चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 5 वेरिएबल जनरेट करने हैं। नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स, हर रैंडम वेरिएबल की कितनी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर रैंडम वेरिएबल की 500 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, यानी 500 मल्टीप्लाई बाई 5 2500 ऑब्जर्वेशन जनरेट होंगी। और दूसरे अल्फाज में 5 कॉलम जनरेट होंगे और हर कॉलम की जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी या जो रूल्स यूज होंगी वो 500 यूज होंगे। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आपने किस डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। तो एक्सेल में ये पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हैं, इनमें से आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी हो उसे क्लिक करें और उसके मुताबिक आपके पास पैरामीटर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़, ये जो डिस्क्रीट है डिस्क्रीट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करना होगी, ठीक है। तो उस प्रोबेबिलिटी के मुताबिक जो है डिफरेंट नंबर जो जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास कोई पैटर्न सेटअप है, यानी आप रेंज बता सकते हैं एक सीरीज जैसे जनरेट करना होती है। फिर इसी तरह से पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज मैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ही की बात कर लेता हूँ, हम कहते हैं कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट करने हैं और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो लैम्डा है, और ये जो पैरामीटर है ये एवरेज वैल्यू होती है। तो हम सपोज कहते हैं कि उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 5 है, या आप किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल शायद आपने पढ़ दी होगी, तो हम नॉर्मल के हवाले से भी देख लेते हैं कि जब आप, या बर्नौली के हवाले से भी आप देख सकते हैं, इवन बाइनोमियल भी आपके पास है, तो ये पी वैल्यू यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो बाइनोमियल के पैरामीटर हैं उनके मुताबिक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह से जो नॉर्मल है, नॉर्मल के दो पैरामीटर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे यहाँ पर। तो हम सपोज कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 है और मीन जो है वो 5 है। हमने ओके प्रेस किया, आपके पास नई शीट में यानी एक और शीट क्रिएट होगी और उसमें 500 रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएंगे और 5 वेरिएबल्स हैं। इन पे अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कोई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कहा, इसे क्लिक करें और यहाँ पर आप 5 वेरिएबल्स की रेंज सेलेक्ट कर ओके वगैरह प्रेस कर दें, तो आपके पास 5 वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो अपने पैरामीटर के काफ़ी क्लोज होगी उस सूरत में, स्पेशली जब आपके पास सैंपल साइज लार्ज होगा। आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो अप्रॉक्सीमेटली 2 है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कर देंगे, फॉर एग्जांपल 5000 10000 वगैरह, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2 से काफ़ी क्लोज हो जाएगा और मीन भी जो है 5 भी काफ़ी क्लोज हो जाएगा, लेकिन इस वक्त ये क्लोज नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एन टेंस टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपनी एक्चुअल को फॉलो करेंगे।